हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस से होगा पत्ता साफ, अगले सीजन अंबानी छोड़ देंगे हार्दिक पांड्या का साथ, तो ऐसे में कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी है जो हार्दिक पांड्या का थामेगी हाथ, बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूं आपके साथ आकाश पांडे। आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस के कैंप से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगले सीजन मुंबई इंडियंस के कप्तानी में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जहां इस समय पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन अगले सीजन में सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के नए कप्तान नियुक्त किए जा सकते हैं। अब इसके पीछे की वजह साफ साफ ये बताई जा रही है, क्योंकि इस टाइम पर सूर्य कुमार यादव मौजूदा भारतीय T20 टीम के कप्तान हैं, तो ऐसे में रिटेंशन से पहले सूर्य कुमार यादव फ्रेंचाइजी के सामने ये शर्त रख सकते हैं कि उन्हें कप्तानी ऑफर की जाए, ताकि वो टीम में बने रहें, वो उनको रिटेन करने के लिए कप्तानी की एक शर्त सूर्य कुमार यादव वहाँ पर फ्रेंचाइजी के सामने रख सकते हैं। और ऐसे में सूर्य कुमार यादव क्योंकि मौजूदा T20 के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को रिटेन करने के लिए मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तान बना दे और हार्दिक पांड्या की ऐसे में टीम से छुट्टी हो जाए। अब ऐसे में क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर कहीं मुंबई इंडियंस से रिलीज होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी है जो उन्हें आईपीएल 2025 में टारगेट कर सकती है। अब अगर सबसे पहले टीमों पर नजर डालें, तो वो सबसे पहली टीम जो हार्दिक को अपने खेमे में शामिल कर सकती है, वो टीम हो सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के अब फिलहाल जो कप्तान है वो है केएल राहुल, लेकिन जो खबरें निकल कर सामने आ रही है वो यही बता रही है कि केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ शायद यहीं तक था। पिछले सीजन जिस तरीके से संजीव गोयनका ने केएल राहुल की ऑन फील्ड ट्रीटमेंट की है, उसको ध्यान में रखते हुए शायद केएल राहुल वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को छोड़ देंगे, और ऐसे में वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स एक कप्तान की तलाश में होगी। और हार्दिक पांड्या क्योंकि ऑलमोस्ट एक ट्राइड एंड टेस्टेड कप्तान है, तो हार्दिक पांड्या वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में शामिल किए जा सकते हैं। उनके वहां पर अगर आप देखो तो कृणाल पांड्या भी पहले से टीम में मौजूद है, तो ऐसे में दोनों भाई हो सकता है एक टीम से आपको खेलते हुए नजर आ जाए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स पहली टीम हो सकती है जो हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2025 में टारगेट कर सकती है। अब अगर दूसरी टीम की बात करें, तो दूसरी टीम जिसको कप्तान की तलाश है आईपीएल के अंदर, वो टीम है पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स के लिए शिखर धवन कप्तानी कर रहे थे, लेकिन 2025 के अंदर आपको शिखर धवन शायद ही वहां पर पंजाब की टीम से खेलते हुए नजर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिखर आईपीएल में ही आपको ना दिखे। तो ऐसे में पंजाब किंग्स भी वहां पर कप्तान की तलाश में होगी, और हार्दिक पांड्या से बेहतर कप्तान और प्लस उनको एक बेहतर ऑलराउंडर भी मिल जाएगा। फिलहाल पंजाब की टीम में सैम करन एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के कैलिबर का ऑलराउंडर इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी दूर दूर तक नहीं है। तो पंजाब किंग्स भी वो टीम हो सकती है जो हार्दिक पांड्या को वहां पर टारगेट कर सकती है। अब पंजाब से आगे बढ़े तो एक और टीम है जो वहां पर कप्तान की तलाश में हो सकती है, और वो टीम हो सकती है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फिलहाल आरसीबी के कप्तान है फाफ डुप्लेसी, लेकिन उनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 40 या उससे ऊपर हो चुकी है। अब ऐसे में अगर यहां पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आरसीबी फाफ को रिटेन नहीं करती है, तो आरसीबी भी वहां पर ऑक्शन के अंदर या उससे पहले कप्तान की तलाश में होगी। तो हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन हो सकते हैं आरसीबी के लिए भी, जो आरसीबी की टीम में शामिल होकर उनकी कप्तानी भी कर सकते हैं और टीम को एक बैलेंस भी दे सकते हैं। और क्या पता अगर आरसीबी में हार्दिक की एंट्री हो जाए, तो आरसीबी का बरसों पुराना सपना कप जीतने का, वो भी हार्दिक पांड्या वहां पर पूरा कर सकते हैं। अब आरसीबी से आगे बढ़े तो एक और टीम है, अगर वहां पर जो खबरें निकल कर आ रही है, जो खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स में फिलहाल कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि ऋषभ पंत को शायद, अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके लिए दिल्ली कैपिटल्स जो है वो ऋषभ पंत को रिलीज कर सकती है। अगर कहीं वहां पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल से रिलीज होते हैं, तो वहां भी एक ऐसी जगह खाली बच जाएगी जहां पर दिल्ली भी कप्तान की तलाश में होगी, और वहां पर हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे नाम हो सकते हैं जिसको लेकर दिल्ली कैपिटल्स सोच सकती है उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स में भी शामिल होकर हार्दिक पांड्या एक कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं, और हो सकता है कि वहां पर हार्दिक की भी एंट्री उस टीम में हो जाए। आखिरी फ्रेंचाइजी जिसकी हम बात करें जो हार्दिक पांड्या को लेने में इंटरेस्टेड हो सकती है आईपीएल 2025 के अंदर, वो टीम हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स क्यों हो सकती है, इसके पीछे साफ साफ रीजन है। हार्दिक पांड्या जो है वो एमएस धोनी और उनकी जो एक तरीके से रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोनों के बीच में कमरेडरी बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर ज़्यादातर फैसले जो लिए जाते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के सलाह मशवरा के बाद ही लिए जाते हैं। अब फिलहाल अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स कप्तानी जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या वहां पर जाते हैं तो एमएस धोनी के बाद, क्योंकि आप चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी से आगे बतौर फिनिशर को भी ढूंढ रही है, तो हार्दिक पांड्या वो रोल जो है बखूबी निभा सकते हैं। सीएसके
के अंदर शामिल होकर, अगर वो वहां से रिलीज होते हैं मुंबई इंडियंस से, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनको शामिल कर सकती है। अगर शामिल करती है तो उनको हार्दिक पांड्या से बतौर फिनिशर का रोल मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या वहां पर एक कप्तान के भी प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। तो सीएसके के अंदर हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर भी खेल सकते हैं या फिर एज अ फिनिशर और एक कप्तान के रूप में भी सीएसके को वो फायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही 5 ऐसी फ्रेंचाइजी जो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, टारगेट कर सकती है। लेकिन आपके हिसाब से आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी होगी जो अगर हार्दिक पांड्या रिलीज होते हैं तो उनको ऑक्शन में टारगेट कर सकती है या फिर बतौर ट्रेड में उनको शामिल कर सकती है? दीजिएगा हमें अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।